क्लाइंट आपका आधा हो गया वो भी सफर फ्रॉम अ कोविड पैंडमिक, कोविड की वजह से लास्ट ईयर मार्च से हमारी पढ़ाई ऑलमोस्ट बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। दिसंबर 2020 में जान में फेब में ऑलमोस्ट हमने दो तीन महीने अच्छा खासा पढ़ाई किया था, लेकिन अगेन ड्यू टू द सेकेंड वेव वापस कोविड ने अपना कहर मचा दिया। इसकी वजह से स्टेट बोर्ड ने जितने भी एग्जाम्स है बोर्ड्स के, ठीक है, जैसे 10th स्टैंडर्ड का था SSC का, 12th स्टैंडर्ड का था HSC का, राइट, ये बोर्ड्स के एग्जाम्स पहले पोस्टपोन किए फिर कैंसिल किए, पहले पोस्टपोन किए ताकि बाद में जाके कभी ना कभी टाइम मिलेगा तो हम ये एग्जाम ले सकते, बट अनफॉर्चुनेटली बाद में जाके ये एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया और ये एग्जाम्स हमें बोर्ड्स ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर 10th का अगर एग्जाम कैंसिल किया है बराबर, तो रिजल्ट कैसे बनेगी? तो आप सबको पता है कि आपके स्कूल से असाइनमेंट्स वगैरह लास्ट मोमेंट पे मंगा लिए थे, कुछ ओरल एग्जाम्स हुए थे, या फिर आपने इसके पहले जो एग्जाम्स लिखे थे, या फिर आपके जो होमवर्क्स थे, गृह पाठा चवाया वगैरह आपने होते थे, जमा कराया था, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी हैविंग आवर रिजल्ट फॉर 10th, एंड त्याच्या पद्धतीने आपल्याला आपला आधीचा रिजल्ट मिळणार, बट यू ऑल नो हा जो काही रिझल्ट आपल्याला येणार आहे दॅट इज नॉट द प्युअर एफर्ट्स विच इज फ्रॉम युअर साइड, जे तुम्ही एफर्ट्स टाकलेले होते त्या पद्धतीने हा रिझल्ट नसणार आहे, ऑब्विसली नॉट, नसणारच। एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटत असेल की मला यावेळी 95-96% येणार होते, बट अनफॉर्च्युनेटली ही माइट बी गेटिंग 85-90%, आणि एखाद्या विद्यार्थ्याला 60-65% जर तयारी असेल फॉर्च्युनेटली ही माइट गेट 80-85%, राईट। सो असं नाहीये की ज्याने मेहनत केली असेल त्याचा स्कोर खूप चांगला येईल, ज्याने केलं नाही त्याचा कमी येईल, हा एक ऍव्हरेज स्कोर असणार आहे सगळ्यांना माहिती आहे। डेफिनेटली याच्यावरती तुमच्या 11th स्टँडर्डच्या ऍडमिशन्स डिपेंड होणार नाही, त्याच्यासाठी स्टेट गव्हर्नमेंटने काय केलेलं आहे, आपल्याला 11th जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर अजून एक एक्झाम डिक्लेअर केली आणि ती एक्झाम आहे CET। ठीक आहे, आता व्हॉट इज CET लक्ष द्या, CET that is known as common entrance test, it is nothing but common entrance test, jala apan marathi सामायिक प्रवेश परीक्षा, वी कॉल इट एज सामायिक प्रवेश परीक्षा। आता ही सामायिक प्रवेश परीक्षा ठीक है कशासाठी, व्हाई इट इज टेकन, क्यों ले रहे हैं, रीजन इज दैट आपको सबको पता है कि 10th का रिजल्ट आपका ऑफर होने वाला है नहीं, ठीक है, तो अगर आपको 11th स्टैंडर्ड में जाकर अगर एडमिशन लेना है, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो डेफिनेटली वहां पे आपका मेरिट लिस्ट करेगा तो हर साल लगता है, ठीक है, तो 10 के मार्क्स आपके परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इस CET का सिलेबस क्या होगा, सबसे पहले यू विल बी हैविंग मैथ्स गणित व्हिच इज फॉर 25 मार्क्स, अगेन यू विल बी हैविंग साइंस विज्ञान that is for again 25 marks, then you will be having SST history and civics geography that is for 25 marks, and last there will be English that is again for 25 marks, overall the whole exam is for 100 marks and this exam is taken for 2 hours, overall ye jo exam hai ye exam kitne marks ki hai 100 marks ki hai, theek hai, और 100 मार्क्स के एग्जाम के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये जो सिलेबस होगा, ये जो क्वेश्चंस हो गए, दीस क्वेश्चंस आर प्योरली फ्रॉम योर 10th सिलेबस, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में जो आपको सिलेबस आ रहा है उस सिलेबस से है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपको टाइम दिया जा रहा है दैट इज फॉर 2 आवर्स, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो पे अटेंशन, दिस इज नॉट गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन,
ये एग्जाम आपकी क्या होगी? ऑफलाइन होगी। ये एग्जाम आपकी क्या हो जाएगी? ऑफलाइन हो जाएगी। ऑफलाइन मतलब कैसे? ऑफलाइन में आपको आपका जब आप सीईटी का फॉर्म भरोगे, सीईटी का फॉर्म भरने के बाद, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद, यू विल बी गिवन अ हॉल टिकट। आपको हॉल टिकट आ जाएगा, हॉल टिकट में आपका सेंटर दिया जाएगा, प्रोबेबली आपका ही स्कूल आपका सेंटर होगा, एंड ऑन दैट सेंटर यू विल बी हैविंग अ क्वेश्चन पेपर विद ओएमआर शीट। ठीक है, ओएमआर शीट। ओएमआर शीट क्या होती है? देखो, ओएमआर शीट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके आगे चार सर्कल, ठीक है, जिसमें ए बी सी और डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन सही है, मान लीजिए ऑप्शन बी सही है, तो आपको ऑप्शन बी को ऐसे मार्क करना है। ठीक है, जैसे आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, मैं आपको एक ओएमआर शीट का एक फॉर्मेट भेज दूंगा, विच इज इन पीडीएफ फॉर्म। आपको प्रैक्टिस करना होगा ओएमआर शीट पे। ठीक है, अगर आप एसएसटी, एसएसटी मींस सोशल स्टडीज बेटा, एसएसटी मींस सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, राइट, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आणि अर्थशास्त्र, हे पूर्ण एसएसटी मध्ये, सोशल स्टडीज मध्ये, सामाजिक। ठीक है, ओएमआर शीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हम आपको एक ओएमआर शीट भेज देंगे। ठीक है, हमारे ग्रुप पर आपको उसके प्रिंट्स निकालने हैं। ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस रेगुलरली हम क्या करेंगे, ये जो सिलेबस है, मैथ्स के 25 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, साइंस के 25, एसएसटी 25, इंग्लिश 25, रेगुलरली हम क्या करेंगे, आपको 25 टू 30 क्वेश्चंस का एक सेट भेजेंगे। मान लीजिए आज मैंने सिमिलैरिटी, समरूपता, ठीक है, ये चैप्टर मैंने पढ़ाया, पूरा चैप्टर एक लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे। ध्यान देना, आप बोलेंगे एक चैप्टर एक लेक्चर में कैसे खत्म होगा? ऑब्वियसली होगा नहीं, हमारे पास टाइम भी कम है। वह आगे ओनली 30 डेज, आप मान लीजिए 30 डेज में हमें पूरा खत्म करना। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पूरे से क्वेश्चन इसमें से सिमिलैरिटी चैप्टर उसमें से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, नहीं बराबर, एक एक मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। एक मार्क का क्वेश्चन मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, भले आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, प्रॉब्लम सेट से, प्रैक्टिस सेट से, जो उदाहरण संग्रह दिए जाते हैं, मतलब जब तुम्हारा उत्तर लिखता येत नसेल, दैट इज ओके, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसके लिए जो हम 25 टू 30 क्वेश्चंस का शीट आपको हर रोज क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो, अदरवाइज मोबाइल पे रख के उसको सॉल्व करके आपके ओएमआर शीट पे क्या कर सकते हो, राउंड करके, सर्कल करके उसकी आंसर शीट आप बना सकते हो। ठीक है, एंड दे कैन यू रिवर्ट बैक अस। ठीक है, और हम उसको रिप्लाई करेंगे, आपको सॉल्व मतलब चेक करके आपको वापस भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैसे एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट से होगा। ठीक है, जिसको ऑप्टिकल मार्किंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, तो ओएमआर शीट पे हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद एग्जाम कब होगी, पे अटेंशन, एग्जाम का डेट अभी तक क्लियर है नहीं, द रीजन इज दैट आपका जब तक 10th का सिलेबस रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इसके डेट्स कंफर्म नहीं होंगे। मान लीजिए आपका 10th का जो रिजल्ट है, 10th का रिजल्ट आपका अगले मतलब सॉरी ये महीने में, आज 1 जुलाई है ना, तो यही महीने में 15 से 20 तारीख के आसपास आपका 10th का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 10 या 15 दिन के बाद आपका एंट्रेंस का एग्जाम होगा। तो मान लीजिए इसी मंथ एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने वाला है, इसी मंथ एंड में, अदरवाइज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ अगस्त देयर विल बी एन एग्जाम। ठीक है, आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, उसके बाद आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने और कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने, पे अटेंशन, गवर्नमेंट ने खाली सिलेबस बताया कि 10th का ही रहेगा, 25 मार्क का मैथ्स आने वाला है, तो कोई सिलेबस डिक्लेयर प्रॉपर है नहीं कि मैथ्स में से इसी चैप्टर से आएगा, साइंस में से इसी चैप्टर से आएगा, इंग्लिश में यही ग्रामर होगा, या फिर एसएसटी में आपको इतने ही चैप्टर्स करने हैं, ऐसा कोई डिफाइन किया नहीं है। जितना सिलेबस है उतना सिलेबस पूरा का पूरा आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप बोलोगे सर इतना सारा कब रिवाइज करें, कैसे एग्जाम देंगे, डोंट वरी बेटा, ये एग्जाम इतना भी टफ होने वाला नहीं है। अगर आप एक बार अच्छे से, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे करोगे, और मैं जितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, मैं जितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अगर उतने क्वेश्चंस अच्छे से करोगे तो आई कैन एश्योर उसमें से उस टाइप से अलग कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, वो टाइप से कोई अलग क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। जितने मैं क्वेश्चन दूंगा उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, खाली काउंट चेंज हो सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकते हैं, यूनिट चेंज हो सकते हैं, टाइप वही रहेंगे। ठीक है,
इसके लिए मैं जितना क्वेश्चन डेली, अगर मान लीजिए मैं 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 30 दिन में मैं ऑलमोस्ट 900 1000 क्वेश्चन होगा, 1000 में से ही 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में होंगे, ठीक है, दैट्स माय एश्योरिटी टू यू, ठीक है, क्योंकि बहुत ध्यान देके और बहुत अच्छे से हमने वो कंटेंट डिजाइन किया हुआ है, ओके वेरी गुड, मुझे आप ऐसे रिप्लाई दे दीजिएगा, साक्षी नलावडे वेरी गुड ग्रेट। नाउ टुडे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी विल स्टार्ट विद द सिलेबस, स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। मैं एक मैथ्स फैकल्टी हूँ, यस सर, यस सीजी के लिए पूरा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेगा, लास्ट ईयर ध्यान देना, लास्ट ईयर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया ड्यू टू द कोविड, द सिलेबस इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड, ठीक है, तो जो रिड्यूस करने के बाद बचा हुआ सिलेबस है, ठीक है, उसी में से आपको क्या होने वाला है, क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जो आपको सिलेबस रिड्यूस करने के बाद बच रहा है वही सिलेबस से आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर इन ज्योमेट्री, दैट इज सिमिलैरिटी, वी विल स्टार्ट विद सिमिलैरिटी। देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमने लास्ट ईयर, मतलब आपने जब आपका टेंथ स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर के जून में वगैरह किया होगा, ठीक है ना, जून जुलाई में किया होगा आपके क्लासेस में, जून जुलाई के आसपास, अप्रैल मई के आसपास लास्ट ईयर हो चुका है, फिर आपने जब आपका कोई एग्जाम लेकर थोड़ा सा रिवाइज किया होगा और जाके अभी आपने कभी थोड़ा सा रिविजन किया होगा, आई थिंक ऑलमोस्ट हर बच्चे का इसमें थोड़ा सा क्या है कंटेंट में प्रॉब्लम है कि सबको ये चैप्टर अच्छे से याद नहीं है, तो एक स्टार्ट कर रहा हूं मैं पॉइंट वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितनी जरूरत है उतने ही कंसेप्ट में आपको बताने वाला, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले पहला जो पॉइंट आता है, मैं जैसे पॉइंट लिख रहा हूं आपकी नोटबुक में पॉइंट लिखे होने चाहिए, कीप राइटिंग, मैं जैसे लिखवा के दे रहा हूं लिखते जाओ, रेशियो एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, देखो इसमें कुछ मराठी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, सो पे अटेंशन, याचा मध्ये फक्त हे ले जे मी स्टेटमेंट घेतो हे इंग्लिश मध्ये असेल, याचा खाली जे आपण एक्सप्लेन करणार आहे ते ऑलरेडी केलेला आहे, ठीक है, आता पॉइंट आहे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, मराठी मध्ये हा पॉइंट काय होता, दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर, दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर, हा सगळ्यात पहिला मुद्दा आपल्या सिमिलॅरिटीच्या समरूपतेच्या पहिल्या धड्यामध्ये, ठीक है, so ratio of areas of two triangles, ठीक है, now consider, let us assume that we are having two triangles, दो triangles हैं आपके पास, हमारे पास दो triangles हैं, ठीक है, मान लीजिए पहला वाला triangle है, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी similar या word use नहीं किया, कोई भी दो triangles, any two triangles, ठीक है, here it is triangle A, this one is B, this one is C, और अगर मुझे इसका area चाहिए, I want the area of this triangle, I want the area, area of triangle ABC. त्रिकोण एबीसी से क्षेत्रफल, ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस एनीवन, ओके इट्स हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है ना, तो ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी, इसका बेस क्या दिख रहा है आपको अभी फिलहाल, मैं अगर मान लीजिए इसको मैं बेस पकड़ता हूं, कौन है बेस, बीसी, अगर ये बीसी इज द बेस पाया, ठीक है, तो इसके हाइट ऊंची, इसके हाइट कहां से आने आना चाहिए, फ्रॉम पॉइंट ए, ए से हाइट ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है, तो इफ आई कंसीडर बीसी एज अ बेस देन हाइट हैज टू बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से हाइट ड्रॉ होगी एंड आई कंसीडर दिस पॉइंट एज डी, पुट अ परपेंडिकुलर पॉइंट डी, तो एडी इज हाइट, दिख रहा है ना, एडी इज हाइट एंड बीसी इज अ बेस, तो हाफ इनटू बेस क्या आ गया बीसी और हाइट क्या आ गया एडी, बेस आ गया बीसी हाइट आ गया एडी, अगर मैंने ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल ले लिया, ऐसे ही मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर, पे अटेंशन, और इसका मैं क्यू आर को बेस मानता हूं, तो हाइट कहां से ड्रॉ होगा, पी से ड्रॉ होगा, तो एस मान लेते हैं हाइट इसका, ठीक है, PS sorry PS is the height of triangle PQR, तो base हो गया इसका QR, तो area of triangle PQR is equals to half multiplied by base, base क्या निकला इसका QR, base is
you are, and ITR is the head is PS. Basis you are and head is PS. अब देखो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के एरिया तो निकाल दिया मैंने, जो हमने ऑलरेडी हमें पता है कि इट इज हाफ इनटू बेसिस पॉइंट, हाफ इनटू बेसिस पॉइंट. अब मुझे इनका क्या चाहिए, रेशियो, गुणोत्तर, ठीक है ना, रेशियो चाहिए. रेशियो चाहिए मतलब मैं क्या करूंगा, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. अब ये दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या दिखता है आपको, क्या दिख रहा है, हाफ इंटू बी सी इंटू एडी, वही यहां पर आएगा, हाफ इंटू बी सी इंटू एडी होल डिवाइडेड बाय हाफ इंटू पी क्यू आर. पी क्यू आर का बेस क्या है, क्यू आर इंटू हाइट क्या है इसका, पी एस. अब क्या दिख रहा है, हाफ इंटू बी सी इंटू एडी और हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस, ऊपर भी हाफ है नीचे भी हाफ है, तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू एंड वन बाई टू दे विल गेट कैंसिल आउट ईच अदर, दे विल गेट कैंसिल आउट ईच अदर. तो क्या बच गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी मल्टीप्लाई बाय एडी डिवाइडेड बाय क्यू आर मल्टीप्लाई बाय यस, ठीक है. अब हमेशा देखो ध्यान देना, हमेशा आपको ट्रायंगल का नाम एबीसी होगा, उसका हाइट एडी होगा, ऐसा तो होने वाला बिल्कुल नहीं है. हमेशा आपका दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर होगा, उसका हाइट पीएस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मतलब ट्रायंगल दो कोई भी हो सकते हैं, उनका बेस कोई भी हो सकता है, उनका हाइट कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द बेस. तो इसके लिए मैं इसको जनरलाइज करता हूँ. जनरलाइज मतलब क्या, ये ट्रायंगल एबीसी को मैं ए वन लिखता हूँ, दैट इज एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है ना, समझ में आ रहा है. उसको मैंने क्या लिखा, ए वन एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय ए टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल्स टू बी सी, बी सी इज द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड एडी इज द हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल. मतलब बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बी वन इनटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एच वन डिवाइडेड बाय क्यू आर एंड पी एस. क्यू आर भी बेस है और पी एस हाइट है, लेकिन वो दूसरे ट्रायंगल का है, इसके लिए यहाँ पे आएगा बी टू इंटू एच टू. A1 upon A2 is equals to B1 into H1 divided by B2 into H2. B2 into H2. This is the ratio of area of two any two triangles. किसी भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो. A1 upon A2 is equals to B1 into H1 divided by B2 into H2. समझ में आ रहा है सबको? चलो कमेंट करो, कमेंट करते रहोगे, आई गेट टू नो कि यस यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग. कमेंट करो फटाफट से, सगळ्यांना लक्ष देते का, लक्ष देत असेल तर कमेंट करा पटपट. हो सर, येते लक्ष. ओके राजवर्धन, व्हेरी गुड. सर्वरी, व्हेरी गुड. श्रुतिका पाटील, ग्रेट. नेक्स्ट साक्षी लके, व्हेरी गुड. अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, गिरीश मोरे, ग्रेट, ठीक है. नेक्स्ट नेहा मुनमोरे, व्हेरी गुड. अगर कुछ डाउट रहेगा तो विराज को अपग्रेड, ठीक है, चलो बोलते जाओ. साक्षी दोधाकर, समझ में आ रहा है. अनिरुद्ध राणी पाटिल, ओके. वैष्णवी लाड, ग्रेट. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है सानिका, ठीक है, यू कैन आस्क मी. केशव पदम, वेरी गुड, ठीक है ना, अच्छे से सबको समझ में आ रहा है, ठीक है. देखो मैसेज टाइप करने में आप संकोच नहीं करते हो, तो अभी रिप्लाई देने के लिए तो सबको बिल्कुल नहीं करना. सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, बाद में जब पढ़ने का टाइम आएगा ना तो इसको आप रिवाइज कर सकते हो. प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. हर्षदा सेजल, अच्छे से जॉब रहेगा तो बिंदास पूछना है. चलो हो गया स्क्रीनशॉट, ओके फाइन. देखो अगर इसमें से आपको कुछ मिस हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. अगर इसमें से आप कुछ मिस करोगे, ठीक है, तो डोंट वरी, मैं ये लेक्चर बाद में मेरा यूट्यूब पे भी आएगा, ठीक है. हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वापस लेक्चर होगा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ये अभी जिसका मैसेज आया बहुत बड़ा 06.93 वगैरह, ठीक है, प्लीज आपका नाम भी बताया बेटा, ठीक है, इतना बड़ा नाम नहीं होगा, प्लीज लेट अस नो योर नेम. ओके, सो ये जो लेक्चर है बाद में यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइव लेक्चर में नहीं रहोगे, बाद में जाके यूट्यूब पे देखोगे, ठीक है. लाइव लेक्चर में तो मजा आता है, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड लेक्चर का मजा नहीं आता. चलो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशियो बेस 1 * हाइट 1
डिवाइडेड बाय बेस 2 इनटू हाइट 2 होता है, ठीक। तो जो पढ़ा हुआ पॉइंट मैं वापस यहां पे लिख लो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इनटू h1 अपॉन b2 इनटू h2, ये अभी हमने पढ़ा है। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस 1 इनटू हाइट 1 ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस 2 इनटू हाइट ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, ये हो गया। अब इसमें कुछ केसेस, केस नंबर 1 पे अटेंशन है एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। केस नंबर 1 क्या होगा कि बेस इज इक्वल, अगर जो दो ट्रायंगल हमने बनाया है ठीक है उनका बेस इक्वल आ गया, b1 is equal to b2 आ गया, उनका क्या आ गया बेस इक्वल आ गया। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, वापस में ट्रायंगल abc ले रहा कि इसका बेस bc है तो हाइट इसका a से ड्रा होगा, ठीक है। सो ये d मान लेता और ये बेस bc जो है ना इसी को मैं नीचे दूसरा ट्रायंगल लगाता हूं, ठीक है। देखो कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल bec, तो उसका भी बेस bc हो गया, ठीक है। अगर बेस bc है तो हाइट e से ड्रा होगा, हाइट कहां से ड्रा होना चाहिए, e से ड्रा होगा, ठीक है ना। सो इसको मैं नाम देता हूं f। अब ये दो ट्रायंगल में अगर मैं ट्रायंगल abc मान लेता हूं तो उसका बेस क्या है, bc है, हाइट क्या है, ad है, और जो दूसरा नीचे लटक रहा है उसका बेस क्या है, bc है और हाइट क्या है, e आता है, मतलब दोनों का बेस bc bc सेम आ गया, ठीक है ना। तो कैसे आ गया बताओ, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज बेस 1 इसमें से क्या कैंसिल होगा, कौन बताएगा, कमेंट फर्स्ट, क्या इक्वल है, देखो बेस b1 b2 इक्वल है, यस बेस विल गेट कैंसिल आउट ईच अदर, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड रिस्पांस, ठीक है। तो चलो इसमें बेस 1 और बेस 2 दोनों कैंसिल करा देता हूं, व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट हियर, क्या बचा फिर, a1 upon a2 is equals to h1 upon h2, ये कब है, if base is equal, if base is equal तो ये आएगा a1 upon a2 is equals to h1 upon h2, मतलब अगर इन दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट के रेशियो इतना होगा, क्योंकि बेस कैंसिल, ठीक है। नाउ केस नंबर 2, if height is equal, if height is equal, ध्यान देना, h1 is equal to h2, दो ट्रायंगल है दोनों का हाइट इक्वल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है इसका ये हाइट है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है और इसका भी हाइट इतना ही है, देखो दोनों का हाइट मान लीजिए सेम है, ठीक है, इसका h1 है, h2 है, इसका बेस b1 है, इसका बेस ये b2 है, बराबर। तो जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मेरा मेन फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला में रखना है, मास्टर फॉर्मूला दैट इज बेस 1 इनटू हाइट 1 डिवाइडेड बाय बेस 2 इनटू हाइट 2, इसमें कौन कैंसिल होगा, कमेंट फास्ट, कैंसिल h1 and h2, वेरी गुड, h1 h2, बूम, यस यू आर करेक्ट, ऑल वैष्णवी मोरे, वेरी गुड, स्नेहा ग्रेट, बराबर है, करेक्ट, रुचा समृद्धि, वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। इसमें से क्या कैंसिल होगा, h1 and h2 will get cancel out, तो यहाँ पे a1 upon a2 will become b1 upon b2, a1 upon a2 will become b1 upon b2, very good, basically great students, सही है, ठीक है ना, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, ठीक है। चलो अब जाते हैं केस नंबर 3 पे, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, देखो केस नंबर 1 में क्या इक्वल था, बेस इक्वल था, केस नंबर 2 में क्या इक्वल था, हाइट इक्वल था, अब केस नंबर 3 क्या हो सकता है, बेस और हाइट वही है ना, ये केस नंबर 3 क्या हो सकता है, देखो 1 में हमने बेस को इक्वल किया, 2 में हमने हाइट को इक्वल किया, तो 3 में बेस हाइट दोनों को इक्वल कर देते, ठीक है, मतलब इफ बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल, both are equal, इसका मतलब b1 is equals to b2 and h1 is equals to h2, b1 is equals to b2 and h1 is equals to h2, मतलब
भैया दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी बी सी, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, दोनों का बेस सेम है ना, बीसी दोनों का बेस सेम है। और मान लीजिए मैंने एबीसी का हाइट ए से ड्रॉ कर दिया ऐसे, और ये डीबीसी का हाइट बी से ड्रॉ किया, और दोनों हाइट भी अगर इक्वल आ जाए, ये हाइट और ये हाइट भी अगर इक्वल आ जाए, तो दोनों का हाइट भी इक्वल हुआ और दोनों का बेस भी इक्वल हुआ। तो फॉर्मूला बनेगा अपना, मास्टर फॉर्मूला क्या होता है, a1 / a2 = b1 / h1 / b2 / h2, ठीक है। तो चलो b1 इसमें से क्या कैंसिल होगा कौन बताएगा, स्नेहा करेक्ट, कैंसिल क्या होगा, वैष्णवी करेक्ट, स्नेहा बोथ ओके फाइन, पूर्वा परफेक्ट ओके। देखो इसमें क्या होने वाला है, b1 b2 they will get cancel out each other, next one h2 will again cancel out each other, तो बचा 1 upon 1, मतलब a1 upon a2 का ये जो वैल्यू होगा यहां पे 1 upon 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं क्या दिख रहा है, a1 into 1 is a1 और a2 into 1 is a2, तो a1 is equals to a2, a1 is equals to a2, ये भी आप बोल सकते हैं। मतलब means if the base and height both are equal, समझ में आ रहा है, पाया आणि उंची दोघे ही समान असतील तर त्यांचं क्षेत्रफळ बरोबर असतं, समान असतं, इक्वल असतं। इफ बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल, ठीक आहे, देन द एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल विल बी इक्वल। गेटिंग द पॉइंट, आई होप ईच एंड एवरीवन इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट्स। यस आई एम होम होम होम, दे आर सिमिलर, होम साइड दे आर सिमिलर, पेटेंट से बेटा दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर, मोस्ट सेम सिमिलर नहीं है दिखने में, ठीक है, पे अटेंशन, दे आर नॉट सिमिलर, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आपका, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बनाया, और ये दोनों का एरिया आपका सेम आ जाए, ठीक है, तो ये क्या दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, एरिया सेम है मतलब सिमिलर नहीं है, एरिया सेम है मतलब सिमिलर नहीं है। अगर दो आदमी का एज सेम है दिखने में सेम होते क्या, नहीं होते। स्नेहा यू आर ऑल्सो रॉन्ग, पे अटेंशन, they are not congruent, pay attention, वो congruent भी नहीं है, ये congruent नहीं रहेगा, congruent मतलब exactly एक दूसरे के same होना, in shape and size, उनका shape भी same होगा, size भी same होगा, then only we can, we call them as a congruent। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी word congruent use किया नहीं है, मैंने यहाँ पर कहीं पे भी similar या word use किया नहीं है, दो एकदम अलग अलग triangle की बात चल रही है, ठीक है, congruent मतलब एक दूसरे का exact copy होता है, ठीक है, वेरी गुड परफेक्ट, यस देयर एरिया इज ओनली, साक्षी जाके यस यू आर करेक्ट, देयर एरिया इज ओनली इक्वल, उनका बस एरिया इक्वल है, क्यों, क्योंकि उनका बेस और हाइट इक्वल आ रहा है, इसके लिए एरिया इक्वल है। अच्छा ये भी नहीं है कि अगर दो ट्रायंगल उनका एरिया इक्वल आ रहा है तो उनका बेस और हाइट हमेशा इक्वल होगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर वो केस फॉलो होता है कि अगर एरिया सॉरी बेस और हाइट इक्वल आ जाएगा तो एरिया 100% इक्वल होगा, लेकिन उसका उल्टा सही नहीं होता, एरिया इक्वल है तो बेस और हाइट भी इक्वल होगा, नहीं ये गलत, एवरी टाइम दिस नॉट पॉसिबल, लेकिन ये सही है कि बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल देन द एरिया इज अंडरस्टूड। समझ में आया पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, चलो हैव अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट क्या करते हैं, मेरी आवाज एकदम परफेक्ट डॉट की है, आवाज में कोई गड़बड़ इको आ रहा है, घूम रहा है आवाज, ऐसा कुछ है ना, बराबर आ रहा है ओके। ओके वेरी गुड, चलो अब जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखो सिमिलैरिटी में पहला एक्सरसाइज तो पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है, बराबर ना, फिर आता है सिमिलर ट्रायंगल का कांसेप्ट, कांसेप्ट क्या आता है सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक है ना। सो पहले देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है, समरूप त्रिकोण का आयतन, कुछ बच्चों का कांसेप्ट अगर क्लियर नहीं है
तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, आज आपका जो कंसेप्ट है ठंडा हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल्स, व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर ट्रायंगल्स? ठीक है, मान लीजिए, अच्छा अभी आपने देखा होगा जब आप घर से बाहर निकल रहे अपने गांव में होते हैं, ठीक है, गांव के नेता लोग तो होते ही है, कई स्वयं घोषित रास्ता बरोबर ना, कई खुरोकर नेते रास्ता, ठीक है, आप उनका बैनर जब लगता है होर्डिंग तो देख लेते हो, ठीक है, वाडमुसाचा हार्दिक शुभेच्छा दादा, ठीक है, पिंटू बावला वाडमुसाचा शुभेच्छा, ठीक है, सब अलग साइड के लिए रास्ता। एट द टाइम यू हैव बीन नोटिस, नोटिस आपने नोटिस किया है, ऐसा फोटो लगा होता है उसका, ठीक है, ठीक है ना, ये ऐसा फोटो लगा होगा, ठीक है, जब फोटो लगती है तो होता है 5 फुट का बंदा, इतना सा फोटो लगती है 50 फुट की, ठीक है, लेकिन जब 50 फुट का बड़ा होर्डिंग देखते हैं, ये तो पिंटिया बोल रहा है, ठीक है, कैसे पहचान लेते हैं, इतना बड़ा है क्या पिंटिया बोल, नहीं है ना, फिर भी हमने पहचाना उसको, क्योंकि उसका शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, पे अटेंशन, मैं शेप और साइज की बात, उनका शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, ये 5 फुट है और 50 फुट है, बट उनका शेप सेम है। These types of diagrams are called as a similar diagrams. आशा करता हूँ आपको जानना समझोगे तो आपको क्या मानता है, ठीक है? For an example, अगर आपने आपका खुद का एक फोटो निकाला और आपके मोबाइल पे रख लिया, ठीक है? आपके मोबाइल पे देखा, आपकी हाइट तो वैसे भी 4.5 फुट है, आपकी हाइट कितनी है 4.5 फुट, लेकिन आपका मोबाइल का जो 6 इंच का डिस्प्ले है, 6 इंच के डिस्प्ले में आपका पूरा फोटो आ जाता है, आता ही नहीं आता, 6 इंच के डिस्प्ले में आपका पूरा फोटो आ जाता है, तो अगर मैंने 6 इंच का छोटा सा आपका फोटो या फिर आपके दोस्त का फोटो दे दिया तो आप आराम से पहचान लेते हो, क्योंकि उसका शेप सेम होता है, साइज सेम नहीं होता, ठीक है, वो उसी का छोटा या फिर क्या होता है, बड़ा वर्जन होता है, उसी का छोटा या फिर बड़ा वर्जन होता है, समझ में आया? तो ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, अगर मान लीजिए मैंने कोई ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, कंसीडर दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, अब मैंने इसको कंप्रेस किया, मतलब छोटा किया, जूम आउट कर दिया, ठीक है, छोटा कर दिया, छोटा करने वाला भी ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखना चालू करेगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है, तो इसका नाम मैं रखता हूं पी क्यू आर। ये ट्रायंगल एबीसी का ही पी क्यू आर एक फोटोकॉपी है, जिसको हम सिमिलर बोलते हैं, उसका एक सिंबल पेरेंट से उसी की फोटोकॉपी, इसी ट्रायंगल की वो क्या है, फोटोकॉपी है, ठीक है, सो आई कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, देखो सिमिलैरिटी का सिंबल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इसके साथ क्या है, सिमिलर है, ध्यान देना, ठीक है, अब ये होने के बाद फिर मैं आपको इनका साइज का रेशियो क्या होता है, फिर मैं लास्ट वाले थ्योरम पे जाऊंगा, चैप्टर डन हो जाता है, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अब जब ये दो ट्रायंगल एक दूसरे की फोटोकॉपी है तो इन दोनों में क्या क्या इक्वल आ सकता है, एनीवन प्लीज कमेंट, क्या इक्वल होने का चांस है, ये दोनों में क्या इक्वल हो सकता है, दोनों जब का इक्वल असेल, रिजल्ट हा पहिला ट्रायंगल ची दुसरी फोटोकॉपी है, वेरी गुड समृद्धि, यू आर करेक्ट, और कोई, परफेक्ट हर्षद, राइट, पूर्वा यस यू आर करेक्ट, नेक्स्ट वैष्णवी यस यू आर राइट, प्राची परफेक्ट, गिरीश यस करेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, देखो सब लोगों को क्लियर हो चुका है कि अगर ये दो ट्रायंगल एक दूसरे की फोटोकॉपी है तो डेफिनेटली उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अश्वा यू आर करेक्ट, ठीक है, ये V2037 प्लीज आपका नाम बताएगा, V2037 में नाम नहीं लेता होगा, ठीक है, साक्षी यू आर राइट, ठीक है, इनके एंगल्स इक्वल होंगे, सब लोग ध्यान देना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं एक दूसरे के तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, अब आप बोलेंगे सर इसको अगर छोटा किया तो एंगल भी छोटा क्यों नहीं हुआ, अगर एंगल छोटा हो जाएगा तो उसका शेप नहीं बनेगा, क्या मान लीजिए एक फोटो है और उस फोटो को हम छोटा करें बराबर, तो सभी उसका शेप जो है वो शेप सभी तरफ से छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर उसका कोई एंगल अगर चेंज करे तो उसका ऐसा 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 एंगल चेंज करेगा तो ऐसा फोटो बन जाएगा ना,
हमें एंगल अगर वही रखेंगे तो आपका वही इतना बड़ा इमेज आ गया, मैं इतना बड़ा यहाँ पर खड़ा हूँ लेकिन आपको इतना छोटा सा दिख रहा हूँ, राइट। मेरा बॉडी का हर एक पार्ट एक पर्टिकुलर रेशियो से छोटा हो चुका है, बराबर ना। लेकिन अगर मैं इसमें एंगल में कुछ गड़बड़ कर दूं, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा दिखूंगा आपको, यस और नो। मैंने एंगल सेम रखे है, सिर्फ मैंने उसके मेजरमेंट्स कम किए हैं, ठीक है, कौन किसके साइज के। पे अटेंशन, एंगल ए इक्वल्स टू पी है, एंगल बी जो है वो सेम यहाँ पे एंगल क्यू है, ठीक है, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू है, और ये जो एंगल सी है इट इज इक्वल्स टू एंगल आर। वेरी गुड, सबको क्लियर हो रहा है। एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल आर है। एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या है, एंगल आर है। ये हुआ एंगल्स के बारे में। व्हाट कैन यू से अबाउट द साइड्स ऑफ दीस टू सिमिलर ट्रायंगल्स, साइड्स के बारे में क्या बोलेंगे रे? What can you say about the size? Side AB का फोटोकॉपी यहाँ पर कौन है? AB का फोटोकॉपी ये ट्रायंगल कर में AB का फोटोकॉपी इधर कौन है? PQ। अगर किसी का माइक ऑन रहेगा तो प्लीज मेक इट ओपन। Some other student may get disturbed. ठीक है ना। चलो AB, ये जो AB है, AB का corresponding side, जिसको फोटोकॉपी मतलब उसका corresponding sides, yes, very good, सबसे लोड करें। AB, प्राची, प्राची ध्यान देना, you are little bit wrong, स्नेहा पाटिल you are wrong, pay attention everyone, स्नेहा और प्राची, आपने बोला AB is equals to PQ है, AB is equals to PQ नहीं है, वो उसका छोटा कॉपी है, बराबर। अगर AB 10 सेंटीमीटर तो PQ भी 10 सेंटीमीटर होगा क्या? नहीं होगा, उसको हमने छोटा किया, श्रिंक किया है, मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो में कम होने वाला है, उसको हम आधा कर सकते हैं, उसको हम वन थर्ड कर सकते हैं, उसको हम वन फिफ्थ कर सकते हैं, उसको टू थर्ड कर सकते हैं, यस। कुणाल, AB का कोई पर्टिकुलर रेशियो से कन्वर्ट हो जाएगा PQ, बराबर। मतलब AB और PQ, AB और PQ इनका रेशियो जो होगा ना, AB डिवाइड बाय PQ, वही रेशियो BC डिवाइड बाय QR होगा, एंड द सेम रेशियो विल बी AC अपॉन PR। पे अटेंशन, ध्यान से मैं वापस बता रहा हूं, एंगल का आपको कांसेप्ट दिमाग में सेट हो गया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है फोटोकॉपी एक दूसरे की, तो उनके करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पोंडिंग मतलब एंगल ए का करस्पोंडिंग एंगल्स, एंगल पी सलगल नकुल, बी सा क्यू एंड सी सा आर एंगल है, ठीक है ना। ये हो गया, व्हाट वी कैन से अबाउट दी साइड्स। अगर यहाँ पे साइड AB है तो उसका करस्पोंडिंग साइड PQ है, तो AB और PQ का रेशियो, BC और QR का रेशियो और AC और PR का रेशियो, तीनों रेशियो सेम होंगे, तीनों रेशियो इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या, मान लीजिए अगर AB मैंने 8 रखा था और PQ 4 हो गया, मतलब कितना हो गया, सीधा आधा हो गया, 8 यहाँ पे 8 है 4 हो गया, और अगर BC 10 होता तो QR 100% 5 हो गया, वो भी आ गई होगा, क्योंकि वो बोले जो बाकी साइड जितने रेशियो से कम हुए हैं या फिर बड़े हैं उसी रेशियो से मैं भी कम होगा या फिर बड़ा, सेम रेशियो। अगर मैंने इसको 11 बोला AC को, तो दिस विल बिकम 5.5, हाफ ही होगा। ध्यान रखना एवरी टाइम इट इज नॉट हाफ, मैंने एक सिंपल सा रेशियो लिया हाफ जो बहुत ज्यादा इजी है इसके लिए, ठीक है ना। सो एवरी टाइम इट इज नॉट हाफ, तो मैंने मुझे क्या बताना था, एक साइड जिस रेशियो में कम हुए है बाकी साइड सभी साइड उसी रेशियो में कम या फिर ज्यादा होगी। समझ में आया, इफ दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ करस्पोंडिंग साइड इज आल्सो इक्वल। व्हाट इज, समझ में आया, प्लीज कमेंट फास्ट, पक्का समझ में आ रहा है अच्छे से सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बाकी लोग, यस यस, सिलेक्टेड लोग रिप्लाई कर रहे हैं बेटा, जो सबसे ज्यादा रिप्लाई करेगा उसको सबसे ज्यादा सीटी में मार्क्स आएंगे। चलो फास्ट, सबसे ज्यादा मतलब एक ही बंदा 10 बार नहीं करेगा, हर क्वेश्चन पे आंसर आना चाहिए। चलो बड़ी एवरीवन राइट, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, प्लीज आ स्क्रीनशॉट। ओके, अब जाते हैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, आप पूरे से चैप्टर खत्म कर दिया है, नहीं कर इस चैप्टर में एक्चुअली हमारा एक्सरसाइज सॉल्व करने का टाइम हो जाएगा, कंसेप्चुअल नॉलेज अभी होना चाहिए,
कंसेप्ट दिमाग में होंगे, तो कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में सेट हो गए, क्या सीजी वगैरह का नहीं, ठीक है। द लास्ट थ्योरम आता होगा कि थ्योरम में प्रूफ करूं देना है, थ्योरम प्रूफ करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। रेशियो इज प्रोपोर्शनल, नहीं बेटा तेजस्विनी पोसोमेट्री और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, रेशियो इज प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोथ बोथ का दोनों का मीनिंग सेम है, उनका रेशियो इक्वल होता है, समझ में आया। वेरी गुड, चलो अब जाते हैं लास्ट पॉइंट, सिमिलैरिटी का लास्ट पॉइंट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो ये लेक्चर में सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा था रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, जिसमें a1/a2 = b1/b2 = h1/h2 था, या फिर b1 * h1 / b2 * h2 लिख रहे हैं, ठीक है। हां देखो पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है ना, पहला जो पॉइंट पढ़ा था मैं वापस वो लिख रहा हूं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ये कांसेप्ट हमने अभी पढ़ा था, जिसमें हम क्या लिखते हैं a1/a2 = b1 * h1 / b2 * h2 बराबर। लेकिन अब ये मैंने आज स्टार्टिंग में पढ़ा है आपको, अब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स नाउ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, समझ में आया, मैं आगे वाले पॉइंट पे जा रहा हूं, टू ट्रायंगल्स के बदले मैं लिखूंगा टू सिमिलर ट्रायंगल्स, समझ में आया फर्क क्या किया मैंने, टू ट्रायंगल्स के बदले मैंने क्या लिखा टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो a1/a2 = b1/b2 * h1/h2 था ना, ये अब चेंज हो जाएगा, ध्यान देना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अब क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और क्या आएगा b1/b2 ( square आएगा, ध्यान देना हो गया चेंज, अब b1 * h1/b2 * h2 ये सब फंडा खत्म, जैसे ही सिमिलर वैसे सीधा ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, सिमिलर स्क्वायर, सिमिलर स्क्वायर, दिमाग में आना चाहिए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दोन समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर त्यांच्या बाजूंच्या गुणोत्तराच्या वर्गाइतकी असते, बरोबर लक्षात येते का, दोन त्रिकोणांच्या समरूप समरूप त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या करस्पॉन्डिंग म्हणजे संलग्न बाजूंच्या गुणोत्तराच्या वर्गाइतके असते, बरोबर। अभी अगर बेस वन अपॉन बेस टू, अच्छा बचे हुए साइड के बारे में आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसको h1/h2 लिखो, द होल स्क्वायर, कोई भी साइड है, पहले ट्रायंगल का एक साइड पकड़ो और उसी का करस्पोंडिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में बैठा होता है उसका साइड, उनका रेशियो ले लो उनका स्क्वायर करो, बराबर, इज अगेन नथिंग बट पे अटेंशन h1/h2 द होल स्क्वायर, क्या बात है, आपने तो खाली h1/h2 द होल स्क्वायर का थ्योरम लिखा था याद आ रहा होगा, लेकिन इट इज अगेन और दूसरे के तीनों साइड्स का एक्सप्लेन करके दिए, भले आपको साइड्स नहीं पता लेकिन अगर उनके पेरीमीटर्स दोन्ही त्रिकोणाचे मध्यगात दिलेले दुसऱ्या त्रिकोणाचे मध्यगात दिलेले तर दोन्ही मध्यगांचा रेशियो काढा त्याचा वर्ग करा m1/m2 करो, ठीक है, मीडियन ऑफ वन मीडियन ऑफ फर्स्ट एंगल m1 डिवाइडेड बाय मीडियन ऑफ सेकंड एंगल m2 द होल स्क्वायर, वो भी चलेगा, समझ में आ रहा है ना सबको, यस और नो, मतलब आपको एग्जाम में क्या कर सकते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे उनके एरिया का रेशियो निकालो और आपको उनका बेस देंगे पहले का और दूसरे का, या फिर उनका किसी और दो साइड्स देंगे, पहले का एक साइड और दूसरे का एक साइड देंगे, या फिर पहले का हाइट दूसरे का हाइट देंगे, या फिर पहले का पेरिमीटर दूसरे का पेरिमीटर देंगे, या फिर पहले का मीडियन दूसरे का मीडियन देंगे, या फिर कुछ दिया तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर है सबको,
वेरी गुड, मैसेज आ गया तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ने में। पट 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 एकदम कॉन्सेंट्रेशन करून लक्ष द्या। मी गॅरंटी देऊ शकतो नंतर तुम्हाला याच्यावरती जास्त डोकं लढवत बसायची गरज सुद्धा नाही, एवढं डोक्यात ठेवायचं। स्क्रीनशॉट घ्या पटकन या गोष्टीचं, मला सोडून घ्या। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, साक्षी ना लावले पे अटेंशन। साक्षी आर यू फ्रॉम मराठी और इंग्लिश मीडियम, प्लीज लेट मी नो फास्ट। जी आर गुरु, ठीक है बेटा। साक्षी पे अटेंशन, अगर दो ट्रायंगल्स आपको दिए हैं और दो ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल्स है, सिमिलर समरूप, ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो निकालना है एरिया का, सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना। तो ये पांच ऑप्शंस अपने पास, एक तो वो दोनों ट्रायंगल का बेस देंगे, अगर दिया तो बी वन अपॉन बी टू करो, ब्रैकेट का स्क्वायर करो, आपको दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो मिल जाएगा। एक तो आपको दो ट्रायंगल का साइड देंगे, दोन ट्रायंगलचे वेगवेगळे साइड दिले जातील, त्यांचा रेशियो काढा, स्क्वेअर करा, किंवा त्या दोन ट्रायंगलचे हाईट दिले जातील, उंची, पहिल्या त्रिकोणाची उंची दुसऱ्या त्रिकोणाची उंची, पहिले ट्रायंगल हाईट दुसऱ्या ट्रायंगल का हाईट, एच1 एच2 दिया जाएगा, रेशियो निकालो, स्क्वेअर करो, पहले ट्रायंगल का पेरिमीटर दुसरे ट्रायंगल का पेरिमीटर देंगे और बोलेंगे A1 अपॉन A2 निकालो, अगेन A1 अपॉन B2 करो स्क्वेअर, और कभी कभार A1 अपॉन A2 निकालो बोलेंगे और बोलेंगे पहले ट्रायंगल का मीडियन कितना है, दूसरे ट्रायंगल का मीडियन, तो M1 अपॉन A2 को फिर स्क्वेअर करो आपको A1 अपॉन A2, मतलब A1 अपॉन A2 पहले ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय दूसरे ट्रायंगल का एरिया, इनका रेशियो आप 1 2 3 4 5 तरह से निकाल सकते। तो देखो एक पॉइंट पे पांच क्वेश्चन अलग अलग, ठीक है ना, ओके ना, ये हो गया लास्ट वाला पॉइंट, समझ में आया सबको, प्लीज नाउ वी स्टार्ट विथ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, विल स्टार्ट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, विल हैव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट ब्रेक लेता हूं मैं, आई हैव अ वाटर, कप ऑफ माय ग्लास ऑफ वाटर, पानी लेता हूं थोड़ा, तुम्ही पण पाणी वगैरे घ्या, 5 मिनिटात आई बी बॅक।
Okay. Welcome back. Okay. How was your master again? Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Good. Yes. Okay, listen. मैंने जैसे आपको बोला था रोज 25 टू 40 क्वेश्चंस में आपको एक चैप्टर दे सकता हूं, वैसे हम ज्यादा क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, बट स्टार्टिंग में ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे नहीं, बस इनमें आपको तीन क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हां, जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा, आई डू हैव अ 40 क्वेश्चंस हियर, जस्ट कमिंग द 21 25 एंड द 15 40 क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, ठीक है ना। सो आज 40 क्वेश्चन हम करेंगे, 40 मतलब अभी नहीं होता, जितने हो सके उसमें से करेंगे, फिर बाद में पीजी शीट है, जैसे हमारे 40 क्वेश्चन आ सकता है, पी शीट पुनः आपने पोस्ट के लिए चाहिए, आणि त्याच्यासोबत ओएमआर शीट पण मी पाठवेल तुम्हाला, की मला आपल्याला कसं कसं पिकअप सर्कल्स करायचे असतात, ब्लैक पेन वापरायचा आहे, ठीक है, ब्लैक पेन यूज करके आप उसके ऊपर क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। मैंने बोला था मैं जो 40 क्वेश्चन दे रहा हूं उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 1 में बोला है फॉर अ गिवन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। देखो ये आपको टेक्स्ट बुक में है कांसेप्ट, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी। क्या आंसर है यार, रिफ्लेक्सिविटी। ओके, पे अटेंशन, अभी भले ही आंसर रिफ्लेक्सिविटी है, बाकी ये चार क्या उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि और एक क्वेश्चन आ सकता है जिसके लिए आंसर सोच सकते हो, ये सब ऐसे पढ़ाई देंगे, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी खुद के जैसा ही दिखता है, आप अगर आपके आप एक आपका मिरर है, राइट, एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, आरशाच्या समोर तुम्ही उभे आहात, तर तुम्ही ज्या वेळेस आरशाच्या समोर उभे राहता त्या आरशात कोण दिसतं, ना, ठीक है, आपका खुद का इमेज वहां पर है, आपको आपकी इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, जो खुद के इस जैसा ही दिखे, a is equal to a, 5 is equal to 5, x is equal to x, triangle ABC is similar to triangle ABC, right, this type of property is called as reflectivity, this is called as reflectivity, बराबर। Now, yes, Sachin, what is symmetry? मान लीजिए, A is equals to B है. If A is equals to B, then I can write B is equals to A. I can write B is equals to A. Yes or no? Yes, that is nothing but symmetry. Next, congruency. Congruent है. Congruent मतलब triangle ABC is congruent to triangle PQR. Congruent, एक दूसरे के साथ हो सकता है. ठीक
ठीक है. एंड लास्ट इज ट्रांजिटिविटी, दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है. इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, देन आई कैन से ए इज इक्वल्स टू सी सीधा. दिस इज ट्रांजिटिविटी. समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके. सो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन. इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका वीडियो फाइल भेज रहा हूँ, उसमें 40 क्वेश्चंस हैं, आपको सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट फॉल्स स्टेटमेंट. इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1, एवरी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर. एवरी पेयर of congruent triangle is similar. And number 2 है, every pair of similar triangle are congruent. Every pair of similar triangle is congruent. कैसे लिखा? एवरी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट एकरूप, सिमिलर समरूप. प्रत्येक एकरूप त्रिकोण है, समरूप असतात. जे दोन त्रिकोण एकरूप आहेत ते समरूप पण आहेत, आणि दुसऱ्यामध्ये म्हटले जे दोन त्रिकोण समरूप आहेत ते एकरूप पण आहेत. तेव्हा पहिले मी बोलाय कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आणि दुसरे मी बोलाय सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देखो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में फरक आहे. अगर मैं कॉन्ग्रुएंट बोलता हूँ ट्रायंगल ये है, तो इसका कॉन्ग्रुएंट मतलब उसका एग्जैक्ट कॉपी होता है, कुछ भी फर्क नहीं होता, ना छोटा ना बड़ा, सेम एज इट इज होता है. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट. और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनको मैं सिमिलर भी बोल सकता हूँ. जो दो एक जैसे एग्जैक्टली है मैं उनको सिमिलर भी बोल सकता हूँ और कॉन्ग्रुएंट भी है. मतलब एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज सिमिलर, ये करेक्ट है. एंड एवरी पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर मतलब ये एक ट्रायंगल है और इसका एक छोटा भाई है, सेम दिखते हैं दोनों, दिखने के लिए सेम है लेकिन शेप साइज अलग है, तो इन दोनों में सिमिलर बोलूंगा. बराबर, तो एवरी पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट. मतलब अगर ये दो सिमिलर है तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है, मतलब एक जैसे ही ऑब्वियसली नहीं होते, मतलब ये दूसरा गलत है. बराबर, और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए, देखो स्पीक आउट दी फॉल्स स्टेटमेंट, पे अटेंशन. उन्होंने गलत स्टेटमेंट कौन सा बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा नहीं है. ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1, ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2, ऑप्शन सी बोथ ऑफ अबव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. यस, ऑप्शन बी 2, दैट इज स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. व्हाट इज इट? Next question number 3, the ratio of corresponding sides of similar triangle. देखो similar triangles उन्होंने बोला है, similar triangle और उनके corresponding side का ratio दिया है 5:7. Then what is the ratio of their areas? What is the ratio of their area? Just a minute. ओके, आई एम सॉरी. चलो क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल. दो सिमिलर ट्रायंगल है उन्होंने बोला है और उनके साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो मतलब उन्होंने क्या दिया है, S1/S2. बराबर, और A1, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो आपको पता है A1/A2 इज नथिंग बट S1/S2 द होल स्क्वायर. अगर सिमिलर होगा तो, और सिमिलर ये वर्ड नहीं होगा तो B1 × H1/B2 × H2. सिमिलर हुआ S1/S2 द होल स्क्वायर, B1/B2 द होल स्क्वायर, H1/H2 द होल स्क्वायर, M1/M2 द होल स्क्वायर, P1/P2 द होल स्क्वायर. ये सब क्या बोला पता है, मीडियन, पेरीमीटर, बेस, हाइट, साइड्स. ठीक है ना,
कुछ भी दे दिया तो उन्होंने साइड का रेशियो दिया था 5/7, मतलब S1 अपॉन S2 आपको दिया है 5/7 द होल स्क्वायर. क्या आ गया रहे आंसर? 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49. ठीक है, तो ऑप्शंस, ऑप्शन ए है 25:49, ऑप्शन बी है 49:25, ऑप्शन सी है 5:7. देखो इस टाइप का आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा शायद. दिस टाइप ऑफ पेपर आई डू हैव. ठीक है, यू विल बी गेटिंग द सेम वन. ऑप्शन डी 7:5. अब देखो ये आगे वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नंबर 4, हियर इट इज ए बी सी. ए इज 70 degree, बी इज 50 degree एंड ये ट्रायंगल है पी क्यू आर. और उन्होंने बोला है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर. पी क्यू आर नहीं बोला है, क्यू पी आर. ठीक है, ए बी सी, ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू पी आर, देन आर इज इक्वल टू व्हाट? एंगल आर कितना है? ध्यान देना, अगर ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू पी आर बोला है तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा रे? क्यू. मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू. एंगल ए 70 है तो एंगल क्यू भी कितना होगा रे? 70 होगा. पक्का समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड. नेक्स्ट, एंगल बी इज इक्वल टू पी, क्योंकि ए के बाद बी आ रहा है, इधर क्यू के बाद पी आ रहा है, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू पी. एंगल बी 50 है तो एंगल पी भी कितना होगा रे? 50 होगा. और उन्होंने आर पूछा है, एंगल सी इज इक्वल टू आर हो गया, तो एंगल सी इज इक्वल टू आर है, इधर सी नहीं है, इधर आर चाहिए हमें. तो सी कैसे मिलेगा रे? हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एंगल सी? यस, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया. देखो ए बी और सी, ये तीनों का एंगल का एडिशन कितना आता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आता है? 180 डिग्री आता है. ये 70 है, 50 है, 70 प्लस 50 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर ना? तो 70 प्लस 50 इज 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. और ये 120 जो है राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री. अगर एंगल सी 60 है तो ऑब्वियसली एंगल आर भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा. ऑप्शन में दिया हुआ है 60, 50, 70, 80, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री. वेरी गुड, समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. उसके बाद ये दो ध्यान देना, ये दोनों सिमिलर है. सिमिलर बोला तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू एस वन अपॉन एस टू ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर बी वन अपॉन बी टू एच वन अपॉन एस टू एम वन अपॉन एन टू पी वन अपॉन पी टू, इसमें से किसी एक का ब्रैकेट का स्क्वायर. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो दिया है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज गिवन एज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फाइंड बी सी अपॉन क्यू आर, फाइंड बी सी अपॉन क्यू आर. पे अटेंशन, अभी आपको पता है ए वन अपॉन ए वन मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ए टू, ए टू मतलब दूसरा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. एरिया आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू समथिंग स्क्वायर. समथिंग मतलब क्या? साइड वन अपॉन साइड टू, बेस वन अपॉन बेस टू. अब उन्होंने बोला है बीसी अपॉन क्यूआर, तो इसका साइड बीसी देखो, बीसी बीसी तो इसका क्यूआर होता है करस्पॉन्डिंग साइड, तो यहां पे आ जाएगा बीसी अपॉन क्यूआर द होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. एबीसी कितना है? 289 है. पीक्यूआर का एरिया कितना है? 144 है. इज इक्वल्स टू BC upon QR bracket का square. अब I want the value of BC upon QR only. Yes, बहुत बार सारे बच्चों ने आंसर लिया है. BC upon QR का square अगर इतना है तो BC upon QR क्या होगा? Taking square root on both the sides. तो इसका अगर हम square root लेंगे तो BC upon QR 289 का square root कितना है? 17. और 144 का square root कितना है? 12. तो 17 upon 12 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 17 upon 12. समझा सबको अच्छे से? पक्का किसी को कोई डाउट यहां तक?
ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके सो मुझे बताओ, आज मैंने जितना पार्ट आपको पढ़ाया बहुत शॉर्ट में, ऑलमोस्ट मैंने 45 मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, ओनली इन 45 मिनट्स, ठीक है? यस राइट, इट्स 17/12 इज करेक्ट वन। ए एक मिनट, बराबर 17/12 करेक्ट है। मुझे बताओ, आज मैंने ये जो चैप्टर है 45 मिनट्स में मैंने बहुत शॉर्ट में कंप्लीट किया, लेकिन अच्छे से किया आई थिंक सो। आप मुझे बताओ कि मैंने जो पढ़ाया, मेरा पढ़ाने का तरीका सबको पसंद आया? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू कुणाल, थैंक यू अर्शद, थैंक यू अथर्वा, थैंक यू साक्षी। अच्छे से, अलग से कुछ हटके लगाए, अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? सुकन्या वेरी गुड, थैंक यू बेटा। केशव थैंक यू, समृद्धि थैंक यू सो मच बेटा। ये बच्चे बार बार जो रिप्लाई कर रहे हैं वही है। प्रथमेश ग्रेट, थैंक यू बेटा। ऋतुजा वेरी गुड थैंक्स। ओके वीच 2037 वापस आया बेटा, तो तेरा नाम नहीं लिख रहा है। राज ग्रेट बेटा। मृणाल कांबड़े यस थैंक यू। ओके प्राची यादव थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकिता, ठीक है। अनिरुद्ध थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। स्नेहा थैंक यू, हर्षदा थैंक यू, अनिरुद्ध रानी पटेल थैंक यू बेटा। कैन यू टेल दैट द आर द रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल, जस्ट अ मिनट, अभी किसी का तो एक डाउट आया है, प्लीज कैन यू टेल दैट। Please can you tell that are the ratio of sides of similar triangles are proportion? Beta, yahan pe statement bahut galat likh rahe ho aap. The ratio of sides of a similar triangle are in proportion nahi. The ratio of sides of a similar triangle are equal. Dhyan dena, ratio of similar triangle. Agar main triangle ABC aur triangle PQR agar dono ko similar manta hu, to iska side AB agar liya, to AB ka corresponding side PQ hota hai. Isko ratio bola jata hai, AB upon PQ. एबीसी का दूसरा साइड बीसी है तो पीक्यूआर का दूसरा साइड क्यूआर होता है, और एबीसी का तीसरा साइड एसी है तो पीक्यूआर का तीसरा साइड पीआर होता है, तो इसको बोला जाता है रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दे आर इक्वल। रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना, आर इन प्रोपोर्शन, ये गलत है, ठीक है, मतलब ये रेशियो वापस प्रोपोर्शन में नहीं होता। व्हाट आर द बेस्ट बेस्ट कॉलेज बेटा अनिरुद्ध, दिस इज फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंडक्ट द सीईटी एग्जाम, इसके पहले सीईटी एग्जाम लेके 11th में कभी एडमिशन दिया ही नहीं, ठीक है ना, तो डेफिनेटली सीईटी में कितना स्कोर आने पे आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ये आज बिल्कुल आइडेंटिटी हम इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान देना बच्चे यहाँ पे अगर जिन्होंने परफेक्ट किया है तो दे विल गेट अ गुड स्कोर एंड गुड कॉलेज, एक सिंपल सा कैलकुलेशन इतना ही मैं बता सकता हूँ, जो नहीं वो नहीं। देखो आज तक ये एग्जाम कभी कंडक्ट हुआ नहीं है, ठीक है, पहली बार एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो इसका आउटपुट कैसे रहेगा, ठीक है, क्या होगा आगे जाके, ये नहीं बता पाएंगे हम लोग। हमारा काम है पढ़ना, आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना बेटा, अगर आप अच्छे से करोगे तो 80-85 के ऊपर तो आराम से जाओगे, और 80-85 के ऊपर जाओगे तो बेटा एडमिशन तो अच्छे कॉलेज में होना ही है, ठीक है ना। थैंक यू बेटा ऋषिकेश, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके थैंक्स, नो टेंशन, आई विल डू वन थिंग, मैंने आज जितना भी पढ़ा है ये आपके पास स्क्रीनशॉट्स तो है, ठीक है। इसके बाद अभी मैं आई एम गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर, मैं खत्म करने जा रहा हूँ। मेरे पास जो पीडीएफ है मैं पीडीएफ आपको शेयर कर रहा हूँ, आता जी माझ्याकडे पीडीएफ आहे, ठीक है, ज्याच्यामध्ये 40 क्वेश्चन आहेत, ती पीडीएफ मी तुम्हाला काय करणार आहे, आपल्या ग्रुपवरती शेअर करणार आहे, ठीक है। हर्षदा थँक यू बेटा, थँक्स अलॉट। अभी ग्रुप पे मैं क्या करूंगा, आपको शेयर करूंगा, और शेयर करने के बाद दैट्स युअर ड्यूटी, आज आपको वो 40 क्वेश्चन खत्म करके OMR शीट पे, OMR मैं आपको भेज रहा हूँ, या फिर आपके पास रहेगा तो, या फिर OMR शीट पे से स्टेशनरी भी मैं आप खरीद सकते हो। OMR शीट पे ना आपको क्या करने हो, आंसर्स लिखने, ठीक है। अभी हमारे पास एक दूसरा एप्लीकेशन अवेलेबल है, जिस ऐप पे आप जाके, मतलब देयर इज नो नीड टू मार्क द सर्कल्स ऑन OMR शीट, हमारा एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे जाके आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन, मतलब हम टेस्ट पब्लिश करेंगे, फिर आपको शाम को 5-6 बजे के आसपास वो 40-50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, एक साथ नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन आएंगे, तो यू कैन सेलेक्ट एनी वन क्वेश्चन, सबमिट, सेलेक्ट सबमिट, सेलेक्ट सबमिट,
राइट right? और जैसे आप लास्ट क्वेश्चन सबमिट करोगे ऑन द सेम टाइम सेम ऑन दिस स्पॉट आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, जो सही है वो पता चलेगा, जो गलत है वो क्या गलत हुआ पता चलेगा और उसका करेक्ट आंसर भी पता चलेगा। वो जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के बारे में मैं कल बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली जितने भी लेक्चर्स हम दे रहे थे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक महीने के लिए हम ये लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जितने हम यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड करेंगे डिजिटल मटेरियल दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है उसका कुछ एक बेसिक चार्जेस रहता है, ठीक है। नॉट मतलब इतना बड़ा अमाउंट नहीं रहता, 200-250 रुपए कुछ रहता है, ठीक है। उसके बारे में मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो उसके बारे में मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच सर। यूट्यूब की लिंक, ओके, यूट्यूब का लिंक मैं आपको ग्रुप पे अभी बोल देता हूँ सर। आप अमर सर प्लीज यूट्यूब का मेरा लेक्चर एक वहां पर डाल दीजिए, बच्चे क्या करेंगे वहां पे जाके यूट्यूब की जी लिंक है, आल्यानंतर तुम्ही क्लिक करा, लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा, बेल आयकॉन दबा आणि मित्रांना मैत्रिणींना पण फॉरवर्ड करा, त्यांना पण याचा फायदा होऊ द्या, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। अभी एक लेक्चर है अभी 11 साइंस का, इसके बाद वो ज्वाइन कर लेना। ओके सर। सर कितने बजे?